हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, स्वागत है आप लोग का फिर से सुमो बायोलॉजी में। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर न्यूरल सिस्टम, और न्यूरल सिस्टम में कल हम लोगों ने पढ़ा था सेंस ऑर्गन्स चालू किए थे, उसमें हम लोगों ने आई को पढ़ लिया था और आई से रिलेटेड क्वेश्चन भी लगा लिए थे। तो मैंने आपसे आखिरी में कहा था और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोग लगा लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए होंगे। क्वेश्चन लगाए बिना आप लोग की नैया पार नहीं होगी, मैं बार बार कहता हूँ, हर लेक्चर में कहता हूँ। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें उससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन बैंक मिल रहे हैं उनसे आप क्वेश्चन लगा लीजिए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है जी। और ये दो तीन बार मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन बैंक को आज की तारीख में आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी कामयाबी पर डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है कि आप कामयाब होंगे कि नहीं। अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं जिसमें 1999 से ले कर 2021 तक क्वेश्चन है तो भैया थोड़ा सा आप गलत कर रहे हैं। आपको फोकस करना चाहिए 2013 ऑनवर्ड्स 2021, और इसमें भी 2013 से 16 तक के और बल्कि 17 तक के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज की तारीख में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। पिछले 4 साल में गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया है ये जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनको कि पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको एनसीईआरटी से देना है। तो 2016 में भी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी से नहीं थे, 17 में भी मिल जाएंगे। पैटर्न भी देखिए बदल गया बहुत ज़्यादा, पैटर्न इन द सेंस कि भाई जिस हिसाब से क्वेश्चन फॉर्मुलेट होते थे उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कहाँ से आपको क्वेश्चन बैंक अच्छा मिल रहा। अगर आपको नहीं मिल रहा आप मेरा सुमो बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मेरे ऐप पे आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी, डीपीपी भी मिल जाएगी हर चैप्टर की, और आपको टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए अभी हम लोग चालू करें ईयर को। द ईयर्स परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शन, हेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। ईयर जो है दो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेंसरी, हेयरिंग सुनना और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना। एनाटॉमिकली द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस कॉल्ड द आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। एनाटॉमिकली आंतरिक रूप से हम लोग कर्ण कान को बांट सकते हैं 3 भागों में, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ, अब आउटर ईयर में क्या क्या मिल रहा, 3 में आपने बांट दिया, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर, आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, ये जो हमारा हम लोग कान जिसको बोलते हैं बाहरी जो दिखाई देता है पिन्ना, एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना कलेक्ट्स द वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड। पिन्ना क्या कर रहा, पिन्ना कलेक्ट कर रहा वाइब्रेशंस को, वाइब्रेशंस जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस लीड्स इनवर्ड्स एंड एक्सटेंड अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस क्या है, लीड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ आगे बढ़ता है एंड एक्सटेंड्स अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुँचता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं। देयर आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड इन द स्किन ऑफ द पिन्ना एंड द मीटस। स्किन ऑफ द स्किन, देयर आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड इन द स्किन ऑफ द पिन्ना। ये स्किन पिन्ना की, इसमें बहुत छोटे छोटे रोएं से हेयर्स हैं, फाइन हेयर्स हैं, एंड वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड्स है, वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ द पिन्ना एंड द मीटस। तो पिन्ना और मीटस की स्किन पे आपको फाइन हेयर मिलेंगे और वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड्स मिलेंगे। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अब हम लोग इस पर आ गए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसकी बनी है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। कवर्ड विद स्किन आउटसाइड एंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। तो बाहर की तरफ उसमें स्किन, अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसकी बनी है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। द मिडिल ईयर कंटेन्स 3 ऑसिकल्स। इसके बाद ये आपका एक्सटर्नल ईयर की कहानी खत्म। एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस एक्सटेंड्स इनवर्ड्स अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज लाइन बाय स्किन फ्रॉम द आउटसाइड एंड फ्रॉम द इनसाइड म्यूकस मेम्ब्रेन। मिडिल ईयर कंटेंस, मिडिल ईयर पे आ जाइए, मिडिल ईयर कंटेंस
थ्री ईयर ऑसिकल्स कॉल्ड मेलियस इनका सिस्टेम्स। मिडिल ईयर में क्या मिल रहा है आपको, तीन थ्री ईयर ऑसिकल्स मिल रहे हैं जिनके के नाम मेलियस, मेलियस इज हैमर शेप्ड, हथौड़े के आकार की है, इनकस और स्टेप्स। मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है जी। ये एनविल के आकार की है, ये स्ट्रिप के आकार की है। तो मेलियस इनकस स्टेप्स आपको मिल रहे हैं, मेलियस इनकस स्टेप्स। मिस, डोंट मिस द मिस, मेलियस इनकस स्टेप्स। इनकी सीरीज पूछी जाती है, सीरीज याद रख लीजिएगा, मेलियस इनकस स्टेप्स विच आर अटैच टू द वन एंड अदर इन अ चेन लाइक फैशन। और ये जो तीन ईयर ऑसिकल्स हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक कड़ी बना रही हैं, चेन की तरह जुड़ी हुई हैं। द मेलियस इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड स्टेप्स इज अटैच टू द ओवल विंडो। मेलियस किससे अटैच है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और स्टेप्स किससे अटैच है, स्टेप्स अटैच है ओवल विंडो पे, ओवल विंडो ऑफ कॉकलिया। तो ये दो टर्म आए, ओवल विंडो कॉकलिया, जो भी आपको समझ में नहीं आएंगे आगे हम लोग इसको देखेंगे, ओवल विंडो कॉकलिया, ठीक है जी। सॉरी, मेलियस इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड स्टेप्स इज अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉकलिया। द ईयर ऑसिकल्स इंक्रीजेज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। ईयर ऑसिकल्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स एफिशियंसी, दे इंक्रीजेज द एफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर। ईयर ऑसिकल्स की प्रेजेंस से एफिशियंसी बढ़ रही है, किस चीज़ की, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। एंड यूस्टेशियन ट्यूब, तो ईयर ऑसिकल्स इंक्रीजेज द एफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। यूस्टेशियन ट्यूब क्या कर रही है, कनेक्ट द मिडिल ईयर कैविटी विद फेरिंग्स, मिडिल ईयर कैविटी को फेरिंग्स से जोड़ रही है। द यूस्टेशियन ट्यूब हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन बोथ साइड, ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। यूस्टेशियन ट्यूब क्या कर रही है, हेल्प कर रही है कि ये है यूस्टेशियन ट्यूब हमारी, जो मिडिल ईयर को जोड़ रही है, किससे, मिडिल ईयर को जोड़ रही है फेरिंग्स से, और ये हेल्प कर रही है कि इसके दोनों तरफ, ईयर ड्रम के दोनों तरफ एयर प्रेशर इक्वल रहे, ठीक है जी। आइए आगे चले, यूस्टेशियन ट्यूब, एंड यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडिल ईयर कैविटी विद फेरिंग्स। यूस्टेशियन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। यूस्टेशियन ट्यूब इक्वलाइज कर रही है प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वल ड्रम, ईयर ड्रम। द फ्लूइड फील्ड इनर ईयर कॉल्ड द लेबिरिंथ, फ्लूइड फील्ड इनर ईयर। अब हम लोग इनर ईयर पे आ गए, हम लोगों ने एक्सटर्नल ईयर की बात कर ली, हम लोगों ने मिडिल ईयर की बात कर ली। एक्सटर्नल ईयर में क्या मिला था आपको, पिन्ना मिला था, और आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या मीटर्स मिला था। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहाँ लीड हो रही थी, अब टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और पिन्ना पे और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आपको मिली स्किन जिसमें फाइन हेयर है, वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड्स, ठीक है जी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसकी बनी है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, बाहर की तरफ उस पर स्किन की लाइनिंग, अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग है। उसके बाद मिडिल ईयर, मिडिल ईयर क्या कर रहा है, एक्सटर्नल ईयर इंटरनल ईयर को जोड़ रहा है। मिडिल ईयर में क्या मिल रहा है, ईयर ऑस्किल्स, ईयर ऑस्किल्स मेलियस इनकस स्टेप्स, वो एक सीरीज में चेन की तरह लगे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स, साउंड फ्रिक्वेंसी टू द इंटरनल ईयर। और मिडिल ईयर यूस्टेशियन किससे, फेरिंग से। तो यूस्टेशियन ट्यूब का काम क्या है, वो इक्वलाइज करता है प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इतना हम लोगों ने पढ़ा, आगे चलिए। फ्लूइड फील्ड इनर ईयर, फ्लूइड फील्ड इनर ईयर कॉल्ड लेबिरिंथ, फ्लूइड फील्ड इनर ईयर कॉल्ड लेबिरिंथ। अब हम लोग इनर ईयर पे आ गए। लेबिरिंथ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। लेबिरिंथ इंटरनल ईयर को हम लोग बोल रहे हैं लेबिरिंथ। फर्दर इसको हम बांट सकते हैं बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है जी। इंटरनल ईयर को, लेबिरिंथ को हम लोगों ने बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ
टू पार्ट्स, बोनी लेबरिंथ मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। द बोनी लेबरिंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स। बोनी लेबरिंथ किसका बना है? एक सीरीज है चैनल की, उसका बना। इनसाइड दिस चैनल्स लाइज द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। और ये एक तरह से देखें तो बोनी लेबरिंथ के अंदर ही मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है। बोनी लेबरिंथ किसका बना है? चैनल्स का बना है। एंड इनसाइड दिस चैनल्स लाइज द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ विच इज सराउंडेड बाय फ्लूइड फिल्ड पेरिलिम्फ। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के चारों तरफ क्या है? फ्लूइड फिल्ड पेरिलिम्फ है, ठीक। बोनी लेबरिंथ मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, बोनी लेबरिंथ मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। बोनी लेबरिंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल। इनसाइड दिस चैनल लाइज द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ विच इज सराउंडेड बाय फ्लूइड फिल्ड पेरिलिम्फ। द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ। तो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के बाहर क्या है? मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के बाहर फ्लूइड फिल्ड पेरिलिम्फ है, फ्लूइड है पेरिलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर क्या है? मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर एंडोलिम्फ है, क्लियर? नहीं, चलिए फिर से देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। इंटरनल ईयर लेबरिंथ, उसको आपने दो में बांट दिया, बोनी लेबरिंथ मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। बोनी लेबरिंथ क्या है? सीरीज ऑफ चैनल्स है, एक श्रृंखला है, सीरीज है, क्रम है चैनल्स का, उसको हम लोग बोल रहे हैं बोनी लेबरिंथ। तो बोनी लेबरिंथ में ही है, इनसाइड दिस चैनल्स आर द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में क्या भरा हुआ है? एंडोलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के बाहर क्या है? पेरिलिम्फ। द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबरिंथ इज कॉल्ड कॉकलिया। और ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ का आपको कॉइल्ड पोर्शन, कुंडलीनुमा कॉइल्ड पोर्शन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉकलिया। द मेम्ब्रेन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉकलिया, द रीजनल मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम्फ फ्लूइड बोनी लेबरिंथ इनटू एन अपर स्केला वेस्टिबुलाई एंड लोअर स्केला टिम्पेनाई। ठीक है जी, नहीं समझ में आया? द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ फिल्ड विद एंडोलिम्फ, क्वाइल्ड पोर्शन इसका लेबरिंथ का कॉकलिया। द मेम्ब्रेन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉकलिया, वो मेम्ब्रेन जो कॉकलिया बना रही है, रीजनल मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन, वो क्या करेंगी? वो करेंगी कि हमारे पेरिलिम्फ को, पेरिलिम्फ फिल्ड बोनी लेबरिंथ को बांट देंगी दो भागों में, अपर स्केला वेस्टिबुलाई एंड लोअर स्केला टिम्पेनाई। द स्पेस बिटवीन स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई इज कॉल्ड स्केला मीडिया। द स्पेस विद इन कॉकलिया कॉल्ड स्केला मीडिया फिल्ड विद एंडोलिम। ठीक है, आ रही समझ में? ये थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पे, इसको समझो आप, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे भैया। फ्लूइड फील्ड इनर ईयर कॉल्ड लेबरिंथ, लेबरिंथ के दो भाग बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। बोनी लेबरिंथ बना किसका है? सीरीज ऑफ चैनल्स का बना है। बोनी लेबरिंथ में क्या भरा है? बोनी लेबरिंथ में भरा पेरिलिम्फ, सीरीज ऑफ चैनल पेरिलिम्फ, और उसमें मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है। तो इनसाइड दिस चैनल स्लाइस बोनी लेबरिंथ, इनसाइड दिस चैनल्स बोनी लेबरिंथ के अंदर क्या है? मेम्ब्रेनस लेबरिंथ विच इज सराउंडेड बाय फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ। बोनी लेबरिंथ में क्या भरा है? पेरिलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में क्या भरा है? मेम्ब्रेनस लेबरिंथ इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ, वो एंडोलिम्फ भरा। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लेबरिंथ इज कॉल्ड कॉकलिया। लेबरिंथ का कॉइल्ड पोर्शन जो है उसको हम लोग कॉकलिया बोल रहे हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉकलिया, अब वो मेम्ब्रेन जो कॉकलिया बना रही है, वो मेम्ब्रेन जो कॉकलिया बना रही हैं, द रीजनल मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, ये डिवाइड कर देंगी किसके चारों तरफ क्या है? मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के चारों तरफ क्या है? पेरिलिम्फ। अब ये मानिए, ये एक आपका बोनी लेबरिंथ और ये आपका मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, ये दो मेम्ब्रेन से बना, रीजनल मेम्ब्रेन बेसिलर मेम्ब्रेन। उसने क्या किया? ये बोनी लेबरिंथ को बांट दिया स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई। आई बात समझ में?
तो मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉकलिया द रीजनर मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन डिवाइड द सराउंडिंग पेरिलिम फील्ड बोनी लेबरिंथ इनटू एन अपर स्केला वेस्टिबुलाई एंड लोअर स्केला टिम्पेनाई द स्पेस विद इन कॉकलिया कॉल्ड स्केला मीडिया। अब स्पेस विद इन कॉकलिया, भाई ये दो मेम्ब्रेन थी जिन्होंने कॉकलिया बनाया, रीजनर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन है जिन्होंने कॉकलिया बनाया। और इन्होंने किसको बांट दिया, इन्होंने बोनी लेबरिंथ को बांट दिया, अपर स्केला वेस्टिबुलाई लोअर स्केला टिम्पेनाई। और ये जो स्पेस बिटवीन कॉकलिया के अंदर आ गई उसको हम बोल रहे हैं स्केला मीडिया। स्केला मीडिया द स्पेस विद इन कॉकलिया कॉल्ड स्केला मीडिया एंड स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम। इसमें क्या होगा, एंडोलिम्फ होगा। इसमें क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा। इसमें क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा। द स्पेस विद इन कॉकलिया कॉल्ड स्केला मीडिया, स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ एट द बेस ऑफ द कॉकलिया, जहाँ पे बेस है कॉकलिया का, आगे कॉकलिया खत्म हो रहा, स्केला वेस्टिबुलाई एंड सेट ओवल विंडो, स्केला वेस्टिबुलाई वहाँ पे आगे खत्म हो रहा ओवल विंडो पे, वाइल द स्केला टिम्पेनाई टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो, और स्केला टिम्पेनाई खत्म हो रहा राउंड विंडो पे, स्केला वेस्टिबुलाई एंड सेट ओवल विंडो एंड स्केला टिम्पेनाई टर्मिनेट्स एट राउंड विंडो विच ओपन्स टू द मिडिल ईयर। और ये स्केला वेस्टिबुलाई या टिम्पेनाई कहाँ खुल रहे हैं, ये खुल रहे हैं मिडिल ईयर में, ठीक है जी। द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन। ये तो हो गई आपकी ईयर की बात है, अब ईयर की थोड़ी सी एनेटमी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज अ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई मिल रहा है विच कंटेन्स हेयर सेल्स। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में क्या है, हेयर सेल्स हैं दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर्स, और ये हमारे हेयर सेल्स एक्ट एज अ ऑडिटरी रिसेप्टर्स, ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन रोज ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये हेयर सेल्स जो है ये एक सीरीज में है, एक पंक्ति में है, प्रेजेंट इन रोज ऑन द इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। द बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एफरेंट नर्व फाइबर। अब इसका बेसल एंड, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का बेसल एंड बना क्या रहा है, एफरेंट नर्व फाइबर बना रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड स्टीरियोसीलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अपाइकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल। अबव द रो ऑफ द हेयर सेल इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में क्या मिल रहा है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में आपको सेंसरी सेल्स मिल रहा है, हेयर सेल्स मिल रहा है। हेयर सेल्स क्या कर रहे हैं, हेयर सेल्स प्रेजेंट इन रो पंक्ति में है ऑन द इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर की तरफ। द बेसल एंड ऑफ हेयर सेल और हेयर सेल्स का बेसल एंड, बेस पे जो एंड है वो एफरेंट नर्व फाइबर के क्लोज कॉन्टेक्ट में। लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड स्टीरियोसीलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अपाइकल पार्ट। तो बेसल पार्ट एफरेंट नर्व फाइबर के संपर्क में और अपाइकल पार्ट पे आपके स्टीरियोसीलिया मिल रहे हैं। अबव द रो ऑफ हेयर सेल इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये जो हमारे हेयर सेल्स के ऊपर की तरफ के, अबव द रो ऑफ हेयर सेल्स इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। ये तो हो गए आपके हेयर सेल्स के बारे में जानकारी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बारे में जानकारी। आगे चलिए, द इनर ईयर आल्सो कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड वेस्टिबुलर अपरेटस। इनर ईयर में क्या, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ या बोनी लेबरिंथ, इनर ईयर लेबरिंथ जिसको आपने बांट दिया था बोनी लेबरिंथ मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, तो वहाँ पे आपको लेबरिंथ के अलावा क्या मिल रहा है, वेस्टिबुलर अपरेटस भी मिल रहा है। द इनर ईयर आल्सो कंटेन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर अपरेटस लोकेटेड अबव द कॉकलिया। तो कॉकलिया के ऊपर वेस्टिबुलर अपरेटस है, लोकेटेड अबव द कॉकलिया। द वेस्टिबुलर अपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द ओटोलिथ। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वेस्टिबुलर अपरेटस किसका बना है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल का एंड ओटोलिथ।
ओटोलिथ क्या है? ओटोलिथ मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सेक्यूल एंड यूट्रिकल. मैकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ यूट्रिकल एंड सेक्यूल. तो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल और हमारा सेक्यूल और यूट्रिकल कह लीजिए. ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर. अब ये जो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है ये अलग अलग प्लेन पे हैं, तीन डिफरेंट प्लेन पे हैं और तीनों प्लेन एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं. ईच सेमी सर्कुलर कैनाल, टोटल इन ऑल तीन सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर. ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन अ डिफरेंट प्लेन. तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल अलग अलग प्लेन पे हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर और हर एक दूसरे से 90 डिग्री के अक्षांश पे हैं. द मेम्ब्रेनस कैनाल आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल. अब यह जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल है, मेम्ब्रेनस कैनाल है, ये सस्पेंडेड है इन द पेरिलिम्फ ऑफ बोनी कैनाल. जो बोनी कैनाल हमारा बोनी लेबरिंथ था उसमें भरा क्या हुआ था? पेरिलिम्फ. और पेरिलिम्फ में ये लोग सस्पेंडेड है, मेम्ब्रेनस कैनाल सस्पेंडेड है उसमें. द बेस ऑफ द कैनाल इज, और इन कैनाल का बेस स्वालेन एंड कॉल्ड एम्पुला. ये जो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है इनका बेस जो है स्वालेन फूला हुआ है, बल्ज है और उसको हम लोग एम्पुला बोल रहे हैं. विच कंटेन्स अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलरिस विच हैज हेयर सेल्स. और ये जो एम्पुला है इसमें आपको प्रोजेक्टिंग रिज मिल रहा है. प्रोजेक्टिंग मतलब बाहर को निकला हुआ, रिज उभार. विच कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलरिस, जिसको हम लोग क्रिस्टा एम्पुलरिस बोल रहे हैं, विच हैज हेयर सेल्स. द सेक्यूल एंड यूट्रिकल कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड मैकुला. तो इसको, इसमें आपको क्रिस्टा मिल रहा है, इसमें आपको मैकुला मिल रहा है. क्रिस्टा कहाँ मिल रहा है? जो हमारा एम्पुला था सेमी सर्कुलर कैनाल का बल्ज पार्ट, वहाँ पे क्रिस्टा मिल रहा है, क्रिस्टा एम्पुलरिस. और सेक्यूल और यूट्रिकल जो इससे सेमी सर्कुलर कैनाल से अटैच है वहाँ पे भी सेंसरी पैच मिल रहे हैं सेल्स के, और वहाँ के सेंसरी पैच ऑफ सेल्स क्या बना रहे हैं? मैकुला. द क्रिस्टा एंड मैकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स. क्रिस्टा और मैकुला स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं वेस्टिबुलर अपरेटर्स के, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर. तो हमारे क्रिस्टा और मैकुला, क्रिस्टा किस पे मिल रहा है? क्रिस्टा आपको मिल रहा है एम्पुला पे. एम्पुला क्या? बल्ज पार्ट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल. और मैकुला क्या है? मैकुला भी हमारे सेंसरी सेल्स के पैचेस हैं जो आपको यूट्रिकल और सेक्यूल में मिल रहे हैं. तो बेसिकली क्रिस्टा और मैकुला ये हमारे सेंसरी सेल्स हैं यहाँ पे, और मेनली ये कंसर्न है बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पॉस्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी के बैलेंस के लिए, संतुलन के लिए और भाव भगिमा के लिए. ठीक है जी, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पे आइए. हाउ डस ईयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू द न्यूरल इम्पल्सेस. जो साउंड वेव हमारी ईयर रिसीव कर रहे हैं उसको कैसे बदला जा रहा है न्यूरल इम्पल्सेस में. विच आर सेंस एंड प्रोसेस बाय द ब्रेन इनेबलिंग अस टू रिकॉग्नाइज द साउंड. जो कि नर्व इम्पल्सेस में, न्यूरल इम्पल्सेस में बदलने के बाद हमारा ब्रेन उनको रिसीव कर रहा है और रिसीव करने के बाद प्रोसेसिंग करेगा और साउंड को पहचानेगा. द एक्सटर्नल ईयर रिसीव्स साउंड वेव्स, साउंड वेव रिसीव कर रहा है एंड डायरेक्ट देम टू द ईयर ड्रम, और उनको वो डायरेक्ट कर रहा टूवर्ड्स द ईयर ड्रम. द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव्स. जो आके साउंड वेव्स, जैसे आप स्पीकर देखते हो धमक धमक साउंड वेव्स आके टकरा रही हैं ईयर ड्रम से, तो ईयर ड्रम जो हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, जो हमारी ईयर ड्रम है, वो क्या करेगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो वाइब्रेट करेगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या अटैच है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच है मैरियस इनकस स्टेप. तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन से मैरियस, मैरियस से वो ट्रांसमिट हो जाएगा इनकस, और इनकस से स्टेप्स पे रिस्पॉन्ड टू द साउंड वेव. एंड दीज वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर ऑसिकल्स मैरियस इनकस स्टेप्स थ्रू द ओवल विंडो. स्टेप्स कहाँ अटैच है? ओवल विंडो पे.
द वाइब्रेशन आर पास थ्रू द ओवल विंडो ऑन द फ्लूइड ऑफ कॉकलिया. और ओवल विंडो कहाँ पे? कॉकलिया के एंड पे. राउंड विंडो ओवल विंडो स्केला टेम्पेनाई और स्केला वेस्टिबुलाई के एंड पे. तो वाइब्रेशन आर पास थ्रू द ओवल विंडो ऑन टू द फ्लूइड ऑफ कॉकलिया. कॉकलिया के फ्लूइड तक आ गया. वेयर दे जनरेट वेव्स इन द लिम्फ. और कॉकलिया का फ्लूइड में क्या होगा? वेव्स जनरेट हो जाएंगी. वेयर दे जनरेट वेव्स इन द लिम्फ. ठीक. द वेव्स इन द लिम्फ इंड्यूसेस अ रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन. तो इनके जो हमारे वेव्स लिम्फ में पैदा हुए एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ में, उसकी वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन में भी रिपल पैदा हो जाएंगे, उसमें भी लहरें आने लगेंगी. दिस मूवमेंट्स ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड द हेयर सेल. बेसिलर मेम्ब्रेन पे क्या है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे क्या है? हेयर सेल है. हेयर सेल के ऊपर क्या है? हेयर सेल के ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है. द मूवमेंट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड द हेयर सेल. हेयर सेल बेंड होने लगते हैं, झुकने लगते हैं. प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को ब्रश करने लगते हैं, प्रेस करने लगते हैं. एज अ रिजल्ट नर्व इम्पल्स आर जनरेटेड. और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होंगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा इन द एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स. जो न्यूरॉन्स हैं उनमें नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई. दिस इम्पल्सेज आर ट्रांसमिटेड बाय द एफरेंट फाइबर्स. और ये इम्पल्सेज जो हैं एफरेंट फाइबर की सहायता से ट्रांसमिट हो गए वाया ऑडिटरी नर्व. क्योंकि ये एफरेंट फाइबर क्या बना रहे? ऑडिटरी नर्व. और वेस्टिबुलर अपरेटस से वेस्टिबुलर नर्व. ऑडिटरी नर्व कंसर्न है हेयरिंग से, वेस्टिबुलर नर्व कंसर्न है ऑडिटरी वेस्टिबुलर नर्व. ऑडिटरी वेस्टिबुलर नर्व. वेस्टिबुलर नर्व कंसर्न है बैलेंसिंग से एक कॉर्टेक्स. और ये सेंसेशन कहाँ तक आ गई? हमारे ब्रेन तक आ गई, सेरिब्रल हेमिस्फीयर तक आ गए, जहाँ पे ऑडिटरी कॉर्टेक्स है. वेयर द इम्पल्सेज आर एनालाइज. जहाँ पे इन इम्पल्सेज का एनालिसिस होगा एंड द साउंड इज रिकॉग्नाइज. और साउंड रिकॉग्नाइज हो जाएगा. तो अब मैं आपको दो चार डायग्राम दिखा दूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा. क्या समझना आसान हो जाएगा? एक तीन सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ पे है, यूट्रिकल सेक्यूल कहाँ पर है. क्योंकि ऐसे लैंग्वेज में आपको थोड़ी सी मेरे को लगता है कि दिक्कत होती होगी. कोशिश करता हूँ कि आपको हाँ जी. तो हम लोग पढ़ रहे हैं ईयर, ठीक है. एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और हमारा इंटरनल ईयर. एक्सटर्नल ईयर में क्या है? एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना का बना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का बना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया. पिन्ना इज प्रोजेक्टिंग इलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड विद स्किन. हम लोग का बाहर की तरफ को निकला हुआ इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ ऑर्गन है और ये कवर्ड है स्किन से. एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ट्यूबुलर पैसेज है. पैसेज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज. छोड़िए सब बातें, लाइन बाय. और कहाँ पे एक्सटेंड कहाँ पे हो रहा? एक्सटेंड हो रहा टूवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आइए. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट्स द टिम्पैनिक कैविटी फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेपरेट्स द टिम्पैनिक कैविटी. टिम्पैनिक कैविटी मिडिल ईयर को बोल रहे हैं. ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये है टिम्पैनिक कैविटी, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. टिम्पैनिक कैविटी मिडिल ईयर और ये हैंडल ऑफ मेलियस इज फर्मली अटैच टू द मेम्ब्रेन्स इंटरनल ईयर. ये हमारी मेलियस, मेलियस अटैच है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से. ये यूस्टेशियन ट्यूब जो फेरिंग से कनेक्ट कर रही है इसको. मेलियस इनकस स्टेप्स, ठीक है जी. फंक्शन ऑफ मिडिल ईयर क्या कर रहा है? साउंड वेव को कलेक्ट कर रहा है. मिडिल ईयर पढ़ लिया आप लोगों ने. तीन है मेलियस, देखिए आपकी हैमर शेप्ड है. इनकस आपकी एनुअल शेप्ड है और स्टेप्स आपकी स्ट्रिप शेप्ड है.
बैरियर्स किससे हटाया गया? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, एक तरफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, एक तरफ इनकस से। द इनकस इन टर्न कनेक्टेड टू स्टेप्स, इनकस किससे कनेक्टेड है? स्टेप से, विच इज़ अटैच टू द ओवल मेम्ब्रेन कवरिंग द फेनिस्ट्रा ओवेरिस। और ये हमारा स्टेप्स किससे अटैच है? ओवल विंडो से। ओवल विंडो पे कवरिंग किसकी है? ओवल मेम्ब्रेन की, ओवल विंडो से अटैच है। मैलियस इज द लार्जेस्ट ऑसिकल, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट ऑसिकल एंड स्टेप्स इज आल्सो द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। दो तीन बातें यहाँ से आपने उठा लेनी है। फेनिस्ट्रा ओवेलिस, फेनिस्ट्रा रोटेंडस, दो मिडिल ईयर कनेक्टेड टू द इनर ईयर थ्रू टू स्मॉल ओपनिंग्स क्लोज बाय मेम्ब्रेन्स। दिस ओपनिंग्स आर फेनिस्ट्रा ओवेलिस ओवल विंडो, फेनिस्ट्रा रोटेंडस राउंड विंडो। मिडिल ईयर इंटरनल ईयर से कनेक्टेड है दो ओपनिंग की सहायता से, फेनिस्ट्रा ओवेलिस ओवल विंडो, फेनिस्ट्रा रोटेंडस राउंड विंडो। द फेनिस्ट्रा ओवेलिस इज कवर्ड बाय फुट प्लेट ऑफ स्टेप, फुट प्लेट स्टेप की आके किससे कहाँ पे लगी हुई है? ओवल विंडो पे। तो ओवल विंडो, ओवल विंडो कवर्ड विद फुट प्लेट ऑफ द स्टेप्स। द फेनिस्ट्रा रोटेंडा इज इनक्लोज बाय अ फ्लेक्सिबल सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और फेनिस्ट्रा रोटेंडा पे क्या है? सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। इंटरनल ईयर, ये देखिए ये है इंटरनल ईयर। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि यूट्रिकल सैक्यूल क्या है, कॉकलिया कहाँ पे। तीन ये सेमी सर्कुलर कैमरा, एक दो और तीन, और ये इनका बल्ज पार्ट मैकुला, एम्पुला। एम्पुला में क्या है? क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है? यहाँ पे सेंसरी पैचेज हैं सेल्स के, ठीक है जी। तो ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल जो अलग अलग प्लेन पे हैं लेकिन तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पे। और ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल किससे कनेक्टेड है? ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल कनेक्टेड है यूट्रिकल और सैक्यूल से, वेस्टिबुलर अपरेटस से। वेस्टिबुलर अपरेटस पे क्या है? यूट्रिकल है, सैक्यूल है, यूट्रिकल सैक्यूल और हमारा तीन ये सेमी सर्कुलर कैनाल एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल। और ये बोनी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का कॉइल भाग ये कहलाता है कॉकलिया, ये है कॉकलिया। तो कॉकलिया कनेक्टेड विद यूट्रिकल एंड सैक्यूल एंड थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, ये क्या बना रहा है आपका? वेस्टिबुलर अपरेटस। देयर इज अ बोन कैविटी ऑन द ईस्ट साइड इनक्लोज्ड हार्ड पेरियोटिक बोन विच कंटेन द पेरिलियम। तो इंटरनल ईयर है क्या? लेबिरिंथ है, चैनल्स ऑफ बोनी चैनल्स हैं, उसमें क्या भरा हुआ है? पेरिलियम। और उसमें मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ सस्पेंडेड है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ किसका बना है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ दो मेम्ब्रेन का बना है, टेक्टोरी हमारी रीजनल मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन। तो उसकी वजह से ये जो लेबिरिंथ है बट जाएगा स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई में। अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ फ्लोट्स इन द पेरिलियम। द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कंसिस्ट ऑफ थ्री सेमी सर्कुलर डक्ट्स, यूट्रिकल सैक्यूल, एंडोलिम्फैटिक एंड कॉकलिया। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ किसका बना है? तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है, डक्ट है, यूट्रिकल है, सैक्यूल है, एंडोलिम्फैटिक कॉकलिया का बना है। सेमी सर्कुलर डक्ट, देयर आर प्रेजेंट थ्री डक्ट्स, द एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल। दे अराइज फ्रॉम द यूट्रिकल, यूट्रिकल से लगी हुई हैं, अटैच हैं। ईच डक्ट इज इनलार्ज्ड एट वन एंड, और इनमें एक जगह बल्जिंग मिलेगी जिसको हम लोग एम्पुला बोल रहे हैं। और एम्पुला में ही हमारे सेंसरी पैचेस हैं सेल्स के, जिनको हम क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं। ईच एम्पुला कंटेन्स सेंसरी पैच ऑफ सेल्स क्रिस्टा। द क्रिस्टा कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ सेल्स, सेंसरी सेल, सपोर्टिंग सेल। सेंसरी सेल हम लोगों ने सुना, सेंसरी सेल बियर लॉन्ग सेंसरी हेयर्स एट फ्री एंड एंड नर्व फाइबर्स एट अदर एंड। सेंसरी हेयर्स आर पार्टली मेडेड इन द जिलेटिनस मास द कपुला। क्रिस्टा आर कंसर्न विन बैलेंस, ये सारी बातें आप छोड़ो, क्रिस्टा कंसर्न किससे है? बैलेंस। यूट्रिकल सैक्यूल एंड एंडोलिम्फैटिक। द यूट्रिकल इज डॉर्सली प्लेस्ड स्ट्रक्चर टू विच ऑल द थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर अटैच कनेक्टेड। तो यूट्रिकल से लगी हुई है तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल। सैक्यूल इज वेंट्रली सिचुएटेड, तो यूट्रिकल डॉर्सली सिचुएटेड है, सैक्यूल वेंट्रली सिचुएटेड है।
विच इज ज्वाइन विद द यूट्रिकल वाया यूट्रिकुलो सेक्युलर डक्ट. तो यूट्रिकल और सेक्यूर, यूट्रिकल से अटैच है तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल डॉर्सली प्लेस्ड है, सेक्यूल वेंट्रली प्लेस्ड है, यूट्रिकल और सेक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए वाया यूट्रिकुलो सेक्युलर डक्ट, यूट्रिकुलो सेक्युलर डक्ट की सहायता से जुड़े हुए. ठीक है जी, यूट्रिकल से तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल अटैच है और यूट्रिकल कहाँ सिचुएटेड है, डॉर्सली सिचुएटेड है. यूट्रिकल और सेक्यूल दोनों में सेंसरी पैचेज हैं, जैसे कि हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल में था जिसको हम लोगों ने बोला एम्पुला में था, फूले भाग में क्रिस्टा, यहाँ पे इसको बोलना है मैकुला, और क्रिस्टा और मैकुला दोनों कंसर्न है बैलेंसिंग से. ये है कॉकलिया, इट इज़ अ मेन हियरिंग ऑर्गन विच इज़ कनेक्टेड विद सेक्यूल, सेक्यूल से कनेक्टेड है बाया शॉर्ट डक्ट रीयूनियस, डक्टस रीयूनियस. ठीक है, तो ये किससे कनेक्टेड है, ये कॉकलिया कनेक्टेड है सेक्यूल से, तो सारा आपस में कनेक्टेड है, यूट्रिकल सेक्यूल ये सब आपस में कनेक्टेड है. कॉकलिया मेन हीरिंग ऑर्गन है, कनेक्टेड विद सेक्यूल, सेक्यूल से कनेक्टेड है बाया शॉर्ट डक्टस रीयूनियस लीडिंग फ्रॉम द सेक्यूल. इंटरनली इज कंसिस्ट ऑफ थ्री फ्लूइड फिल्ड चैम्बर. तो आपकी कॉकलिया में क्या मिलेगा, एक कॉइल पोर्शन है, कॉकलिया में आपको मिल रहे हैं तीन फ्लूइड फिल्ड चैम्बर, द अपर स्केला वेस्टिबुलाई, लोअर द स्केला टिम्पेनाई एंड इन बिटवीन स्केला मीडिया. यहाँ पे क्या है पेरिलिम्फ, यहाँ पे क्या है पेरिलिम्फ, यहाँ पे क्या है एंडोलिम्फ, यहाँ पे एंडोलिम्फ है और यहाँ पे पेरिलिम्फ है, यहाँ पे भी पेरिलिम्फ है. द लोअर स्केला वेस्टिबुलाई टिम्पेनाई एंड द मिडिल स्केला मीडिया, मिडिल में स्केला मीडिया, बोथ स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई फिल्ड विद पेरिलिम्फ, हाउएवर स्केला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ. ठीक है जी, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट नियर द बेस ऑफ द स्केला वेस्टिबुलाई द वॉल ऑफ द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कम इन कॉन्टेक्ट विद द फेनेस्ट्रा वेलिस, एट द बेस ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई द वॉल ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ comes in contact with fenestra ovalis while at the base of the scala tympani lies the fenestra rotunda. So, fenestra vestibuli ये हमारा base scala vestibuli के base पे क्या है, scala vestibuli के base पे fenestra ovalis है while scala tympani tympani के base पे इस fenestra rotunda है. vestibuli के base पे क्या है जी, फेनिस्ट्रा ओवेलिस ओवल विंडो, और स्केला टिम्पेनाई के बेस पे क्या है राउंड विंडो. तो ये अब आपका हो गया, अब आप इसको समझ गए होंगे मेरे ख्याल से ईयर को. ठीक है, एक बार फिर से अब आप बुक की रीडिंग लगा लीजिए, बातें क्लियर हो जाएंगी. कहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न होती कि सेमी सर्कुलर कैनाल यूट्रिकल सेक्यूल क्या हवा में है, ये सब कहाँ बातें हो रही, तो इससे आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ कॉकलिया सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ऑडिटरी नर्व, मिडिल ईयर इज एयर फिल्ड कैविटी दैट कंसिस्ट ऑफ एन ईयर ड्रम एंड थ्री इंटरकनेक्टेड बोन्स द हैमर एनविल एंड स्ट्रू, द ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक पार्ट आउटर मिडिल इनर, ऑल ऑफ दिस करेक्ट है, आपको पता ही है अभी हम लोग डिस्कस करके आए. ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज ट्रू रिगार्डिंग द यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, इक्वलाइजेस प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम, ये करती है प्रेशर को इक्वलाइज करती है ईयर ड्रम के दोनों तरफ. हेलिकोट्रीमा, हेलिकोट्रीमा क्या है, अपर्चर बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, अपर्चर बिटवीन टू स्केला ऑफ कॉकलिया ऑफ मैमल, हाँ जी हेलिकोट्रीमा स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई के बीच में एक अपर्चर है जो दोनों को कनेक्ट करता है. द साउंड वेव प्रोड्यूसेस द वाइब्रेशन इन द एंडोलिम विच इन टर्न इफेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोड्यूस द स्टिमुलाई फॉर हियरिंग, किसको कर देगा, तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो सेंसरी हमारे जो हेयर सेल्स हैं जब वो बेंड होंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को ब्रश करते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को ब्रश करने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. द साउंड वेव प्रोड्यूसेस द वाइब्रेशन इन द एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ तक आ गया विच इन टर्न
वन अफेक्ट्स वन ऑफ द फॉलोइंग, तो हेयर सेल्स बेंड होंगे, हेयर सेल्स बेंड होने से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को ब्रश करेंगे, हमारा जवाब होगा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। विच पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉक्लियर डक्ट, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, मैकुला, स्केला, रीजनस, तो हम लोग किसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं कॉक्लियर डक्ट में, हम लोग मैक्यूला ऑफ यूटिकल को नहीं ले रहे हैं। द इंटरनल ईयर इज अ डेलिकेट इररेगुलर ऑर्गन कॉल्ड मेम्ब्रेनस लेबरिंथ विच कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, वेस्टिबुलर, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर डक्ट्स एंड कॉक्लियर डक्ट। ठीक है, तो ये किसका बना है, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर डक्ट, कॉक्लियर डक्ट, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, स्केला, मीडिया, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, स्केला, मीडिया, रीजनल मेम्ब्रेन आर द पार्ट ऑफ कॉक्लिया, वेयर एज मैकुला ऑफ यूटिकल इज अ पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल, ये हमारा वेस्टिबुलर अपरेटस का पार्ट है जो कि सैक्यूल और यूटिकल से बनता है। तो कॉक्लियर डक्ट में क्या नहीं आएगा, कॉक्लियर डक्ट में हमारा मैकुला ऑफ यूटिकल नहीं आएगा क्योंकि वो वेस्टिबुलर पार्ट का हिस्सा है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन ईयर, स्टेप्स इज अटैच टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, स्टेप्स अटैच टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यही रॉन्ग है। यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट मिडिल ईयर फेरिंग स्टेक, मिडिल ईयर कंटेन थ्री ईयर ऑसिकल टेक, स्पेस विद इन कॉक्लिया कॉल्ड स्केला, मीडिया फील्ड विद एंडोलिम्फ टेक, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ इज फील्ड विद फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में एंडोलिम्फ भरा होता है। ठीक है, तो हमारा गलत क्या है कि स्टेप्स इज अटैच टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, स्टेप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होता भाई। इन ह्यूमन सेरुबिनस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ईयर में, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एनेटमी ऑफ ईयर, आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स लीड्स इनवर्ट एंड एक्सटेंड अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, द मैलियस इज अटैच टू द ओवल विंडो, मैलियस इज अटैच टू द ओवल विंडो, स्टेप्स इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यही गलत है, मैलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच है और स्टेप्स ओवल विंडो से अटैच है। हमसे पूछा कि गलत स्टेटमेंट, सी हमारा स्टेटमेंट गलत है, यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट मिडिल ईयर कैविटी विद फैरिंक्स, ठीक बात है। तो यहाँ पे आके अब आपका खेल खत्म, मतलब ये चैप्टर खत्म, ईयर इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए और हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को आनंद आ रहा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन हिट कर दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।